Hi guys, how are you? Okay. Students, आज हम फिर से एक बार आपके सामने अपीयर हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद 12वीं के बाद ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करें और क्या ना करें। तो स्टूडेंट्स, हम उसी श्रेणी में, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुछ हमारे सजेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कुछ एडवाइसेस होती हैं और उन एडवाइसेस के साथ में हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को एक बेहतर गाइडेंस मिले कि वो 10वीं के बाद, 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे काम ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप धीरे धीरे आप आगे जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो जीवन का मकसद क्या है? स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट होने का मतलब क्या है? क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये बहुत मायने रखता है। काउंसलिंग बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोग काउंसलर हैं मार्केट में आजकल, बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग भी कई तरीके से है, एक तो है करियर काउंसलिंग, इमोशनल काउंसलिंग है, मोटिवेशनल काउंसलिंग है, बहुत सारी काउंसलिंग के प्रारूप है। तो यहाँ पे हम आपको एक चीजों की तरफ ले चलते हैं कि एजुकेशनल काउंसलिंग में हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे किस तरीके से अपने को फिट बैठा पाते हैं, किस तरीके से वो सीखते हैं और आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने बचपन से सोच रखा है। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि स्टूडेंट जब स्कूल में होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता और उसको सिर्फ इतना पता होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। स्टूडेंट्स जब ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए प्रयास करता है तो उसमें उसके पेरेंट, उसके टीचर, उसके ट्यूशन टीचर, उसके स्कूल के टीचर सारे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या करोगे और 10वीं के बाद जाना कहाँ पे है, या जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के बाद जाना कहाँ पे है, या फिर जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद कहाँ पे जाना है। इसके लिए बेस्ट गाइडेंस की जरूरत होती है, करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, तो आज के डेट में, आज के टॉपिक पे गाइज हम आपको बताना चाहेंगे कि हर स्टेप के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में संभावनाएं क्या हैं, आपको जॉब कहाँ कहाँ फील्ड पे मिल सकता है, कौन से कंपटीशन होते हैं जिसके थ्रू आप उन सारी फील्ड को अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट, हम बचपन में दिमाग पाल के रखे रहते हैं कि हमको कुछ करना है, लेकिन वो करना कैसे है, उसके लिए कौन गाइड करेगा, कौन कोच करेगा, वो क्लासेस कहाँ से मिलेगी, वो ट्यूशन कहाँ से मिलेगा, वो क्राइटेरिया कहाँ से मिलेगी, इसके लिए सारी बातें डिस्कस में होती है। आज हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं अपनी एकेडमी के थ्रू, हमारी एकेडमी जो है उसमें काम कर रही है और उसी एकेडमी के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे को किस तरीके से आप आगे जा सकते हो। गाइस, यहाँ पे हम ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं और उस ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से और कहाँ पर जाएगा। यहाँ पे गाइस हम बात रख रहे हैं कि अगर 10वीं के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 10वीं के बाद क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 12वीं के बाद आप कुछ करना चाहते हो तो 12वीं के बाद क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हमने चूंकि फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग इसलिए रखा कि फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग से ज्यादा हम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों को बात कर पाएंगे और अपनी बातों को कह पाएंगे। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ऑनलाइन काउंसलिंग का ट्रेंड है और मैं स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप अभी डिजिटल हो जाइए। टीचर्स को भी ये मैं सजेशन देता हूँ कि आप अभी डिजिटल हो जाइए, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में जब तक आप अपने को अपडेट नहीं करते हो तब तक आप फिट नहीं बैठते हो, और जब तक स्टूडेंट अपने को अपडेट नहीं करता तब तक वो बेहतर एक अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकता है। तो आज यह हम बात करते हैं कि 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आफ्टर 10th, जिसको हम SSC भी बोलते हैं, और 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या फील्ड में संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर 10वीं के बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक बात यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि 10वीं के बाद जब आप 10वीं में पहुंच जाते हो तो 10वीं के बाद बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं
और उन सारी संभावनाओं में क्या क्या संभावना है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि दसवीं के बाद, यानी जब आप दसवीं पास कर जाते हो तो उसके बाद जो इंटरमीडिएट कोर्स या जिसको हम जूनियर कॉलेज बोलते हैं, वो 2 ईयर्स का कोर्स प्रोग्राम होता है, और उस 2 ईयर्स के कोर्स प्रोग्राम में आप सीखते हो, आप क्या क्या सीख सकते हो और क्या क्या चीजें आपके लिए काम की होती हैं। तो पहले तो हम दसवीं के बाद साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं, दूसरा कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं, और तीसरा आर्ट स्ट्रीम में जा सकते हैं। यानी बहुत सारे स्टेट्स में दसवीं के बाद ही डिवीजन दे दिया गया है साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम में, और इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस तरीके का डिवीजन नहीं दिया गया है। यानी 12वीं तक, यानी इंटरमीडिएट तक, जिसको हम जूनियर कॉलेज बोलते हैं, बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉमर्स एंड आर्ट्स, दीज आर द 3 स्ट्रीम्स इन विच आप कुछ भी अच्छे से सीख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके पैरेलल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है कि पैरेलल में ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और फोटोग्राफी के भी कोर्स चलते हैं जो आप 10वीं के बाद आप कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटेक्निक 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें आप मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, IEEE, IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और रबर टेक्नोलॉजी में आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हो, और ये 3 ईयर्स का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक में आपको बता दें कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप का कोर्स चलता है, तो आप इसमें 3 ईयर्स के कोर्स में जाकर के आप अच्छे से इन सारी फील्ड में, जो फील्ड यहाँ पे शो हो रही है, बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। आगे आपको और बताते हैं कि ITI, यहाँ पे ये कॉलम आप देखिए जरा, यहाँ से दिया गया है कि ये IIIT क्या होता है। ये IIIT यहाँ पे वो दिया गया है कि IIIT में आप जा करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, सीख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको सीखने में आ सकता है। दूसरी चीज, ITI ट्रेड, बच्चों में बहुत क्रेज है ITI ट्रेड का, कि ITI में हम क्या कर सकते हैं। तो चूंकि पेरेंट्स को बहुत सारे विश्वास ये है कि अगर आप ITI कर लेते हो तो ITI करके भी आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। तो ITI ये 2 ईयर्स का होता है जिसमें फिटर, कंप्यूटर, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल में रेडियो एंड TV, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी और पेंट टेक्नोलॉजी में आप ITI ट्रेड में आप कोर्सेस सीख सकते हो। ये सारे कोर्सेस स्टूडेंट 10वीं के बाद होता है। तो 10वीं के बाद मोस्टली 98% के दिमाग में तो होता है कि हमको जूनियर कॉलेज में जाना है, यानी इंटरमीडिएट करना है, और उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा इंटरेस्ट रहता है कि हमको पॉलिटेक्निक में जाना है। तो जिनके घर पे एजुकेटेड लोग हैं वो तो सलाह देते हैं कि आपको जाना किधर है। पढ़ने का मकसद पैसा कमाना है, पढ़ने का मकसद अच्छे काम करना है, पढ़ने का मकसद अपने और अपनी फैमिली को, अपने कंट्री को हेल्दी रखना है। तो जब आप इस फील्ड में रेडी होते हो और 10वीं के बाद जब आप निकलते हो, तो जो जिनके पेरेंट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनके पेरेंट बहुत पढ़े लिखे भी हैं, वो भी डिसीजन नहीं ले पाते कि हमको अपने बच्चे को कहाँ भेजना है या बच्चे को कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हमारा जो मकसद है, बच्चों को ये बताना है, पेरेंट को, इन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, ये समझाना है कि अगर आप अच्छे से किसी चीज को जानते हैं तो आप उनको बताइए, और नहीं जानते हैं तो आप इस काउंसलिंग के वीडियोस को देख करके, इस काउंसलिंग को, बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो आप देख करके, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके उनको बेस्ट एजुकेशन की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ITI करने के बाद, 2 ईयर्स का कोर्स करने के बाद, इन सारी फील्ड में आप अच्छे से सीख सकते हो और जॉब आपको मिल सकता है। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स है जो 3 ईयर्स के कोर्स होते हैं। पैरामेडिकल में भी डिप्लोमा और डिग्री दो टाइप के कोर्स चलाए जाते हैं। तो आपको 3 ईयर्स कोर्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे DMLT के कोर्स हैं, DHFM के कोर्स हैं, DOA के कोर्स हैं, DOT के कोर्स है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, एक्सरे टेक्नीशियन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पैरामेडिकल कोर्स में भी चलाई जाती हैं। तो ये पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं वो भी बच्चे सीख सकते हैं 10वीं के बाद। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं जो कंप्यूटर कोर्सेस में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे DTP आप सीख सकते हो, PGDCA कर सकते हो, टैली सीख सकते हो, इंटरनेट, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, वेब डिजाइनिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सीख सकते हो, जो 6 मंथ या 1 ईयर के कोर्सेस होते हैं।
तो स्टूडेंट आपको सीखना कहाँ पे है, वो फील्ड कहाँ पे है, आपको चूज करना होता है। और जब आप इसको चूज कर लेते हो तब आपको पता चल जाता है कि हमको इसमें जाना कहाँ है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। इसके लिए इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको फिर ये तो हो गई 10वीं की बात कि 10वीं में इतनी सारी फील्ड खुलती है। नियर बाय अगर आप यहाँ पे काउंट करिए तो कम से कम जो है कम से कम 50 फील्ड ऐसी खुलती है कि 40 to 50 फील्ड ऐसी खुलती है जिसमें आप जा करके अच्छे से सीख सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। आइए हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद आप क्या करेंगे। कि अगर आप 12वीं में जाते हो और 12वीं भी पास कर लेते हो, कुछ तो स्टूडेंट्स को कैसा है गाइज की उन्होंने सीखा और सीखने के बाद 10वीं के बाद ही अपना डिसीजन ले लिया कि हमारे घरेलू स्थिति या हमारा इंटरेस्ट इस तरीके का नहीं कि हमको आगे पढ़ना है, तो हम अपने को 10वीं के बाद उसमें सीखेंगे। लेकिन 12वीं के बाद भी कुछ लोगों को सीखने की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो व्हाट आफ्टर डू आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड इट शुड बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। देखिए हम 12वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। 12वीं के बाद यहाँ पे जो कोर्सेस है वहां पे जो कोर्सेस हैं वो कोर्सेस इलिज होते हैं कि हम क्या सीखना है अपने को। तो पहला तो यहाँ पे दो कोर्सेस जो हॉट रहे हैं कोर्सेस, उन कोर्सेस की बात करता हूँ। ये कोर्सेस ऐसे कोर्सेस हैं जिन कोर्सेस के बारे में आपको जानते भी होंगे, सुने भी होंगे और फिर आगे भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरत की चीज है। तो यहाँ पे दो फील्ड, एक मेडिकल की फील्ड और दूसरी इंजीनियरिंग की फील्ड, ये दो फील्ड बड़ी कॉमन फील्ड होती है। और इस दो फील्ड में ये मेडिकल की फील्ड और ये इंजीनियरिंग की फील्ड और ये मेडिकल की फील्ड, दो फील्ड बहुत कॉमन फील्ड होती है। और इस पे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो फोकस करता है। अपने यहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनको जानने की जरूरत है। उन्होंने सुन रखा है कि हमको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, लेकिन प्रॉपर क्राइटेरिया न होने की वजह से स्टूडेंट भटकता रहता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बता रहे कि आप किस तरीके से और कैसे अच्छे मोड में आप सीख सकते हो। गाइस यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें बीई या बीटेक का प्रोग्राम है। और इसमें वो स्टूडेंट जाते हैं जो स्टूडेंट कैसा होता है 12वीं पास हो जाते हैं। तो 12वीं पास होने के बाद 12वीं पास होने के बाद ये स्टूडेंट को एंट्रेंस देना पड़ता है और उसी एंट्रेंस के थ्रू ये जाते हैं। जरा इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में एंट्रेंस टेस्ट किसके किसके हो रहे हैं। तो पहले तो कोर्सेस बहुत ज्यादा थे, पहले तो अलग अलग थे। यहाँ पे सबसे जो फेमस रहा है वो है IIIT, IIT या JEE के नाम से जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें बहुत सारी फील्ड है, जिस फील्ड में कैसा है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो इस फील्ड में कैसा है कि अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे CSE कोर्सेज हैं, IT है, ECE है, EEE है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिरेमिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं उसमें बीई या बीटेक दो सर्टिफिकेट के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें कि या तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी के रूप में सर्टिफिकेट लेते हो। अभी वन ओपनिंग हो गया इसलिए JEE नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसी के थ्रू क्या होता है इंजीनियरिंग की कोर्सेज चलाए जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी पहले क्या होता था कि उनको कोर्सेज दिए जाते थे, दाखिला दिया जाता था। अभी सबकी गवर्नमेंट ने एक ही ओपनिंग कर दी कि आप JEE का एग्जाम दीजिए, उसमें जो भी नंबर होते हैं उसके हिसाब से सारे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजों में आपके एडमिशन होंगे। अब आती बात मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए कैसा होता है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं पास होती है और उसके लिए एक ही कोर्स चलाया जाता है जिसको नीट, नीट के थ्रू क्या होता है कि सारी जगह पर एंट्री मिल जाती है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे और सबसे ज्यादा इसमें बच्चों को सीखने की जरूरत है कि मेडिकल कोर्स में जाना है अगर तो अपने को 12वीं पास होना है। और 12वीं में जो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है उसमें PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होती है उसमें आप कोर्सेज को एंट्रेंस क्वालिफाइड करके मेडिसिन के कोर्स में जा सकते हो यानी मेडिकल की फील्ड में जा सकते हो। इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो किसके किसके लिए होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो MBBS के लिए होते हैं, BUMS के लिए होते हैं, BHMS के लिए होते हैं, BAMS, नेचुरोपैथी के लिए यानी इन सारी चीजों के लिए, BDS के लिए कोर्सेज होते हैं और ये सारी फील्ड जो होती है जिसमें एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज हैं जिसमें बी फार्मा, BSc नर्सिंग,
बीओटी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी कार्डियक टेस्ट, हाँ बीएससी मेडिकल लैब टेस्ट, बीएससी रेडियोथेरेपी, बीएससी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑपरेशन थेरेपी, फिजिशियन असिस्टेंट, ओके रेस्पिरेटरी केयर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या फिर पैरा मेडिकल कोर्सेस, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओके एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इन सारे कोर्सेज जो होते हैं मेडिकल फील्ड में चलाए जाते हैं, जिसको 12वीं से 12वीं पास करने के बाद आप कर सकते हो। सबसे ज्यादा यहाँ पे हम फोकस करना चाहेंगे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो जो बच्चे क्या होता है, नीट क्वालिफाइड होकर के एमबीबीएस करते हैं या बीडीएस करते हैं, वो तो डायरेक्ट डॉक्टर ही बनते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी की जाने की इच्छा है, किसी की जाने की इच्छा है मेडिकल फील्ड में, तो वो एंट्रेंस दे करके जा सकता है इसमें। अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो आप एलाइड हेल्थ साइंस के यानी 2-3 इयर्स के प्रोग्राम जो होते हैं, बीएससी कोर्सेस हम इनको कहते हैं, उसमें आप जा करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, फ्यूचर निर्धारित कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हॉट फोकस कोर्सेस हैं, वो हॉट फोकस कोर्सेस को हम आपको इंडिकेट करते हैं कि कौन कौन से फोकस के कोर्सेस हैं। पहला तो इसमें एमबीबीएस हो गया, राइट है, एमबीबीएस हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे बीडीएस हो गया, फिर यहाँ पे बीएचएमएस हो गया, यानी आप ये कह सकते हो सॉरी बी फार्मा हो गया। तो इन सारे कोर्सेस में ये हॉट कोर्सेस रहे हैं जिसमें बच्चों की मांग ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब जाना चाहते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेस में, चूंकि ये बच्चों को पता नहीं होता, तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं और बच्चे सीख लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेस क्या है, उसमें कहाँ पे जाना है। अब आता है डिग्री कोर्सेस। अगर आपने मान लीजिए 12वीं किया, तो 12वीं करने के बाद डिग्री कोर्सेस कौन कौन से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डिग्री कोर्सेस के बारे में पता नहीं होता, तो वो उनको भी डिग्री कोर्सेस की जरूरत होती है। अब ये 3 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं डिग्री कोर्सेज, जिसमें आप डिग्री डिग्री बोलेंगे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो, तो वो कौन कौन सी डिग्रीज होती है। यहाँ पे पहले आर्ट साइंस में आप बीए, क्या बोलते हैं उसको, कि बीए कर सकते हो। बीए वो सर्टिफिकेट है जिसको बैचलर ऑफ आर्ट बोलते हैं, और ये बीए जो है आप कर सकते हो। बीए में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो है अपना पसंद कर सकते हो कोर्स, और उस कोर्स के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें बीए में देखिए सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू आप बैचलर इन आर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद बीएससी, जिसको साइंस स्ट्रीम बोलते हैं, इसमें बीएससी में बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप बीएससी कर सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम में कॉमर्स के कोर्सेस होते हैं जिससे आप बीकॉम कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी में जो टेक्निकल कोर्सेस भी हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेस भी हैं जिसको आप कर सकते हो। अदर कोर्सेस में यहाँ पे आप एलएलबी कर सकते हो, यानी 12वीं जो है यहाँ पे 12वीं के पास बाद जो है आप डिग्री कोर्सेस में एलएलबी करना है। तो पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन के बाद होता था, अभी तो बहुत सारे कोर्सेस ऐसे लॉन्च हो गए जिसमें आप 12वीं प्लस ग्रेजुएशन के बाद में भी आप एलएलबी कर सकते हो। अब आता है कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, ये सब तो 3 साल के थे, 4 साल के डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, सब 4 साल के। प्रोफेशनल कोर्सेज भी यहीं से आते हैं, आपके कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं जिसमें ICWA, CS, CA कर सकते हैं, CPT कर सकते हैं, ATC कर सकते हैं, मतलब IPCC, ITI, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कॉमर्स के, जिसमें CA या CS बनते हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 12वीं के बाद 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम चलता है। फिर उसके बाद यहाँ फोर्स और डिफेंस के भी प्रोग्राम चलते हैं 12वीं के बाद, जिसमें आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में जाते हैं। तो यहीं से उनकी भी शुरुआत हो जाती है, यानी आप 12वीं के बाद आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीजें ये होती हैं कि जब आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो और कहीं पे भी जाना होता है, तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान दें कि बहुत सारा यहाँ पे कोर्स है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। 12वीं के बाद बहुत से बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग के लिए यहाँ पे डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, यूडीपीईडी होता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जो बच्चों में एजुकेशन के लिए चलाए जाते हैं। इसके अलावा ECCED होता है, और अदर्स में अगर हम जाते हैं तो फॉरेन लैंग्वेजेज का कोर्स है, फायर सेफ्टी है, जर्नलिज्म है, होम साइंस टूरिज्म है, होटल मैनेज, रूरल डेवलपमेंट, डिजाइनिंग के कोर्सेस हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग के कोर्सेस हैं, डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एक्शन, मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट।
तो ये सब 12वीं के बाद कोर्सेज होते हैं। 12वीं के बाद जरा देखिए कि इसमें फील्ड इतनी ओपन होती है कि बच्चे कहीं ना कहीं तो अपना करियर बना ही सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे मान लीजिए उसके बाद भी करियर नहीं बना पाए तो क्या करेंगे? तो उसके बाद अगर करियर नहीं बना पाते तो फिर उनको फिर क्या करना है, फिर कैसे आगे जाना? तो चलो हम ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद फिर वो क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद फिर वो आगे जाने की सोचते हैं कि हमको ग्रेजुएशन करना है और ग्रेजुएशन के बाद आगे जाना है। तो ग्रेजुएशन के बाद जरा वो क्या कर सकते हैं उसको हम दिखाते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद जब आपने यहाँ पे पढ़ लिया, पढ़ाई कर लिया, और पढ़ाई करने के बाद फिर आपको जो है क्या हो गया कि अभी पढ़ाई आपकी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद अब आप तैयार हो गए कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो कुछ काम करना है तो कैसे करना है? और जब आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो क्या करना है? आपने डिग्री ले लिया तो क्या करना है? आप उससे भी ऊपर पढ़ना चाहते हो, पढ़ने का शौक है, तो क्या करना है? तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर ये जॉब में जाना चाहता है तो जॉब डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर जॉब में नहीं जाना चाहता तो बी या बी टेक करने के बाद एम टेक कर सकता है या फिर एम बी ए कर सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर जॉब में जाना है तो जॉब में जा सकता है, नहीं तो प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एम एस या एम डी कर सकता है। यानी ये कोर्सेज ग्रेजुएशन के बाद होते हैं कि बीटेक या बी के बाद, बीटेक के बाद एमटेक करो या फिर एमबीए करो। स्टूडेंट्स यहाँ पे एमएस कर सकता है, एमडी कर सकता है, या तो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर एमबीए, या फिर रिलेटेड और भी कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री स्टूडेंट्स जो बीए बीएससी किया है तो वो बीए किया है तो एमए कर सकता है, बीएड कर सकता है, एमबीए कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। यानी ग्रेजुएशन के बाद ये सारे कोर्सेज खुलते हैं। बीएससी किया है तो एमएससी, बीएड, एलएलबी और पीएचडी करेगा। बीकॉम किया है तो एमकॉम, एमबीए, एलएलबी और पीएचडी करेगा। एलएलबी किया है तो वो डीटीएल, डीएलएल, एलएलएम इत्यादि पे जाता है। बीसीए किया है तो एमसीए, एमबीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कर सकता है। और बीबीए किया है तो एमबीए और पीएचडी कर सकता है। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ये टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी टीचिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने टीचिंग का डीएड किया वो बीएड कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। तो यानी ये बाहर के ऊपर के कोर्सेज हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जा सकते हैं और देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि अगर आपको जो कोर्सेस हैं उसमें कोर्सेस के नाम क्या हैं। तो यहाँ पे कोर्सेस दिए गए हैं कि आप एमए इन डिफरेंट फील्ड में आप कर सकते हो, एमएससी इन साइंस की फील्ड में आप कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जगह जगह आप जा करके आप काम कर सकते हो, राइट? अब गाइस यहाँ पे जो हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको सुनाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, उसमें एक ही चीज है कि आप जिन चीज को सुन रहे हो वो चीज, वो पिक्चर कैसा होना चाहिए, उस पिक्चर को कैसे आपको देखना है, तो वो हम आपको बताते हैं। कि पहले तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स एक साथ में कैसे चलाए जाते हैं। यहाँ पे बैचलर कोर्सेज जिनका भी नाम लेंगे सारे कोर्सेज बैचलर कोर्स हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलाए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी चलाए जाते हैं, और बहुत सारे कोर्स, तो नियर बाई इतने सारे कोर्स हैं जो चलाए जाते हैं और ये डिफरेंट फील्ड में होते हैं। इसके अलावा टैलेंट सर्च के एग्जाम होते हैं जिसमें टैलेंट की बात होती है। बच्चे, छोटे बच्चे 10वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम होते हैं। टैलेंट सर्च के एग्जाम होते हैं जिसमें बच्चे एग्जाम देते हैं। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइनिंग का वो होता है, एंट्रेंस होता है, जिसमें 12वीं के पास बच्चे जो है इसमें एडमिशन लेते हैं। 4 ईयर्स का एक प्रोग्राम होता है और ऑनलाइन इनका एप्लीकेशन होता है, एक्टिविटी देनी पड़ती है, उसके बाद ये अपना उसमें जा सकते हैं। लॉ कर सकते हैं, लॉ का टेस्ट देना है, एग्रीकल्चर होटल मैनेजमेंट में जाना है और उन सब पे काम करना होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी मेडिकल टेस्ट करते हैं, मरीन, नेवी और डिफेंस में जाते हैं और इंजीनियरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स इतने सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप काम करते हो। लास्ट में हम फाइनली ये कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, एक एक पे बात होनी चाहिए और एक एक पे बात होकर के वो सारी बातों को खत्म करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स कैसा है कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम आपको पूरी की पूरी बात बता पाएं और पूरे के पूरे तरीके से समझा पाएं। तो हमारे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपने देखा और जिसको आपने पढ़ा। अब हम बात ये करते हैं कि जब आप कर लिए, जिसको आप देख लिए, जिसको जानकारी हो गई, तो आप जो है प्लान क्या करोगे और किस तरीके का प्लान करोगे। यहाँ पे हमने एक चीज बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स को जब भी ये बात समझ में आती है कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, तो उसके लिए बेस्ट गाइडेंस की जरूरत होती है, सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और उन सब्जेक्ट को फिर आपको आगे लेकर के जाना होता है। तो हमने यहाँ पे आपको जो बातें बताई, जो समझाया, वो हमारी काउंसलिंग थी, काउंसलिंग फॉर द एजुकेशन काउंसलिंग।
अब जब आप रेडी हो गए, दिमाग आपका रेडी हो गया कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, तो उस कोर्स के लिए आपको एक अच्छे उसकी तलाश होगी, सेंटर की तलाश होगी, एक गाइडेंस की तलाश होगी जिसमें आप अच्छे से सीख पाओगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, आगे हम फिर चर्चा करते रहेंगे और हम आपको एक ही कोर्सेस के बारे में जहां पे भी जरूरत होगी आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।